जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। दोस्तों, इसके पहले मैं इंग्लिश के क्लास में आपको नाउन के बारे में बता दिया था, नाउन के काइंड्स बता दिए थे और नाउन का डिफिनेशन समझा दिए थे। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस किए होंगे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चलो मैं बात कर लेता हूँ प्रोनाउन की, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं, तो उनमें से जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन का हिंदी शब्द जो होता है वो सर्वनाम होता है, ठीक है। ये MTS के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, और साथ ही साथ अगर कोई भी SSC एग्जाम या फिर कोई भी एग्जामिनेशन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सुपर टेट या टेट, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके लिए ये जो बहुत बेनिफिशियल है प्रोनाउन, ठीक है। आप प्रोनाउन को अच्छे से समझो। देखो, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन मतलब होता है प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन का मैं अगर तोड़ता हूं तो प्रो और नाउन, प्रो और नाउन, प्रो और नाउन से मिलके बना है प्रो नाउन, ठीक है। प्रो माने होता है सबका, और नाउन माने होता है नाम। सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। जैसे अगर कोई लड़का है, ठीक है, तो उसका एक नाम मैंने रख दिया ही, समझ में आ रहा। अब कोई भी लड़का हो, सभी लड़के को मैं ही बोलूंगा, ही, HEE। कोई भी लड़का रहे उसको मैं ही बोलूंगा, चाहे जो लड़का रहे सबको ही बोलूंगा, चाहे जो लड़की रहे सबको सी बोलूंगा, चाहे जो व्यक्ति रहे अपने मैं की स्पेलिंग हो हमेशा आई लिखेगा, अपने मैं की स्पेलिंग। कोई भी व्यक्ति रहे हम की स्पेलिंग वी ही लिखेगा। तो एक ऐसा नाम हम लोग दे दिए जो सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, वो आपका सर्वनाम है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस चीज को जो है डिफाइन करने के लिए, डिफिनीशन, दूसरा चीज इस चीज का डिफिनीशन देने के लिए कहा जाता है बुकों में कि जो नाउन का स्थान ले लेता है, मतलब जो नाउन का स्थान ले लेता है सर्वनाम कहलाता है। लेकिन बात को समझो, ये नाउन का एक जो है नया वर्जन है। क्या है ये नया वर्जन? है जैसे होता है मोबाइल आता है ना, तो उसका प्रो वर्जन आता है, तो नाउन का ये प्रो वर्जन है, नाउन का ये प्रोवर्जन है, समझ में आ गया। और सबका नाम सर्वनाम, देखो सर्वनाम मतलब सबका नाम, समझ में आ गया। तो इसका जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि नाउन जो होता है, प्रोनाउन जो होता है, संज्ञा का स्थान, यानी कि नाउन का स्थान ले लेता है। किसका स्थान? नाउन, नाउन का स्थान स्थान लेता है। यानी कि सर्वनाम जो होता है, यानी कि प्रोनाउन जो होता है, ये नाउन के स्थान को लेता है। नाउन के स्थान को जो लेता है वही प्रोनाउन कहलाता है, समझ में आ गया। नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम या फिर प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मोहन इज ए बॉय, मोहन मोहन इज गुड, मोहन इज गुड, वह अच्छा है। कह रहा मोहन एक लड़का है, मोहन अच्छा है, यहां पे सेंटेंस है। लेकिन यह सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहन का प्रयोग दो जगह हम लोग कर दिए हैं, और दो जगह का प्रयोग हम लोग करना उचित नहीं माना जाता है, समझ में आ गया। तो क्या करना है हमें? किसी एक प्लेस पर, ठीक है, जो है मोहन के जगह पे ही कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे मोहन इज ए बॉय, मोहन इज ए बॉय, फुल स्टॉप। अब मोहन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? मोहन क्या है? लड़का है। लड़का की स्पेलिंग के लिए क्या लिखेंगे? ही इज गुड, ही इज गुड। अब देखो इस नाउन का, मोहन क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब मोहन का स्थान कौन लिया? प्रोनाउन लिया। जैसे मोहन इज ए गुड, मोहन इज ए बॉय, मोहन इज गुड। मोहन एक लड़का है, मोहन अच्छा है। अभी क्या? मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है, ही इज गुड, वह अच्छा है। अभी ये सेंटेंस आपका 100% सही है। तो इस सेंटेंसों से, इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि अगर नाउन का स्थान कोई लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता है। आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। तो ये सेंटेंस आपका गलत माना जाता है, और ये सेंटेंस आपका 100% सही माना जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है वो स्थान को लेता है, समझ में आ गया।
अब चलो थोड़ा सा बात को और समझते हैं यहाँ पे। अब बात आती है कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। वो तो प्रोनाउन के टोटल काइंड्स की बात अगर की जाए तो प्रोनाउन के टोटल काइंड्स 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 हमें पढ़ लेने हैं और 9 पढ़ने के बाद हमारा काम चल जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं? तो प्रोनाउन के काइंड्स यहाँ पे 9 काइंड्स है। कितने काइंड्स है? 9 काइंड्स है। समझ में आ गया सबको? चलो देखो इसके पहले काइंड्स का नाम क्या है। पहला काइंड्स है पर्सनल प्रोनाउन, PER। आप लोग मेरे साथ लिखते भी रहना, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन को पहले समझ लेते हैं, फिर आप दूसरा को पढ़ोगे। टोटल कितने इसके काइंड्स हैं? 9 काइंड्स हैं, जिसमें से पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। वैसे मैं नाम आपको ओरली बता देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन, डिमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेक्टिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और एक प्रोनाउन आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, समझ में आ गया। तो इतने तमाम प्रकार के प्रोनाउंस हैं, सबको हमको पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। किसकी बात करेंगे हम लोग? पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन उसको कहते हैं एक ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, किसके लिए? व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्यक्ति के लिए हम लोग ही प्रयोग करते हैं। व्यक्ति वस्तु और ये जानवर वगैरह सबके लिए हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे व्यक्ति ज्यादा प्रॉपर्टी, व्यक्ति जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए व्यक्ति को हम ले रोचे। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, अब इनसे बनने वाले जितने भी होते हैं सब जो है इसी में आते हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउन में। तो पूछता है एमटीएस में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा, जैसे पूछ लेगा अंडरलाइन करके बताइए ही कौन सा प्रोनाउन है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया? इसी तरह आपको पूछ लेगा यू कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बता दीजिएगा तुरंत ही पर्सनल प्रोनाउन है। आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब चलो जो है ये प्रोनाउन हो गया, मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे ही सीट। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को जो है कितने भागों में बांटा गया, तो पर्सनल प्रोनाउन को जो है भाव यहाँ पे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है पर्सनल प्रोनाउन को। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। एक जो होता है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। एक होता है पोजेसिव। पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, TIVE रहेगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। ये 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? जैसे आपका ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा और दे आएगा। ये आपके जितने हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में इसी के ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए, जैसे हिम, हर, इट्स, फिर आता है मी, फिर आता है आपका अस, फिर आएगा यू और फिर आएगा देम। ये आपके ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। और पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं जैसे हिज, हर, इट्स, माई, माइन, आवर, आवर्स, समझ में गया, योर्स, योर और दियर, और दियर्स। ये जो आपके पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन हैं, अब इनको थोड़ा अब समझ लो डिटेल से कि इनका यूज कैसे कैसे करते हैं। देखो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन जो संबंध को बताता है। किसको बताता है? संबंध को। जैसे यहाँ पे माई शब्द है, माई पेन, पेन का संबंध मेरे से है, वो बता कौन रहा है? माई बता रहा है। समझ में आ गया?
तो ये टोटल आपको समझ में आ गया कि प्रश्न प्रोन कितने होते हैं। प्रश्न प्रोन तीन होते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न प्रोन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोन, पजेसिव प्रश्न प्रोन। समझ में आ गया सबको यहाँ पे। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के नंबर को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पर्सनल प्रोनाउन के नंबर को। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है? अब चलो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो हम लोग अब पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के नंबर को। पर्सनल प्रोनाउन का नंबर क्या होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर जो है आगे हम केस पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पर्सनल प्रोनाउन का जो नंबर होता है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ नंबर की बात करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन की नंबर। तो नंबर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? अब पर्सनल प्रोनाउन के नंबर की बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जिस तरह नाउन के नंबर होते हैं उसी तरह जो है पर्सनल प्रोनाउन के भी नंबर होते हैं। तो गाइस जो है मैं नाउन के नंबर को नहीं पढ़ाया हूँ और नाउन के जेंडर को भी नहीं पढ़ाया हूँ, तो मैं अगले वीडियो में नाउन के नंबर और जेंडर को कवर करके जो मैं अगले वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। तो अभी आप इसको समझो, प्रोनाउन के नंबर। आपको ये जो कि नया लग रहा होगा कि प्रोनाउंस के भी नंबर होते हैं, हाँ जी हाँ, प्रोनाउंस के भी नंबर होते हैं। ये नंबर कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। जैसे अगर पूछ, जैसे यहां पे देखो आई, आई क्या आपका सिंगुलर, आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। आप इस चीज को याद रखिए। उसी प्रकार होता है दूसरा, पहला हो गया, दूसरा कहता है यू, यू का प्लूरल क्या होता है? यू का जो प्लूरल होता है वो यू ही होता है। क्या होता है? यू ही होता है, ठीक है? तीसरा जो होता है वी, वी का प्लूरल वी ही होता है। समझ में आ गया? उसी प्रकार से दे, दे का जो प्लूरल होता है वो दे ही होता है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं, अभी चौथा के बाद आप पांचवा देखो, जैसे ही, सी, इट, इन तीनों के जो प्लूरल होते हैं वो दे होता है। क्या होता है? वो सभी दे होते हैं, इन तीनों के प्लूरल। तो आपको यहां पे समझ में आ गया कि इसका प्लूरल क्या होता है, ठीक है? वी का प्लूरल वी ही होता है, दे का प्लूरल दे ही होता है, ही का, ही सी इट का प्लूरल दे होता है। समझ में आएगा? आई का प्लूरल वी होता है। समझ में आ गया? आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। वी का सिंगुलर क्या होता है? आई होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज भी आप दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगर सिलेबस में है तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि बताइए कि आई के प्लूरल क्या होंगे या फिर यू का प्लूरल क्या होगा। आई होप आपको यहाँ पे भी बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग जो है क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ लिया, पर्सनल प्रोनाउन के नंबर को भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन को। किसको पढ़ेंगे? पर्सन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं जो अगले टॉपिक को कवर करूँ। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को, और वीडियो को भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ताकि हमको भी सपोर्ट मिले, एक मोटिवेशन मिले। आपके सामने जो है पूरा इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, इतिहास, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट को मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस आप मेरा एक सपोर्ट रखो, एक सपोर्ट करो, एक मोटिवेशन मेरे अंदर पैदा हो, ताकि जो है आपका सब्सक्राइब और लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका लाइक चाहिए, आपका सब्सक्राइब चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सिर्फ यही चाहिए मुझे। और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज़ों को बताता रहूँगा। सिर्फ आप कमेंट में कमेंट करो कि क्या आपको चाहिए, मैं वो प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है? अब चलो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन को। पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन को देखो। ये पर्सन जो होता है ना, ये तीन होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? वो तीन होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आपका दो वर्ड आता है, एक आता है आई और दूसरा आता है वी। आई और वी से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं, जैसे आई से क्या क्या बनता है, आई से आपका मी बनता है, माई बनता है, और एक शब्द और बनता है माइन, समझ में आ गया। और वी से क्या बनता है, अस बनता है, वी बनता है, आवर बनता है, आवर्स बनता है, समझ में आ गया। तो ये जितने भी हैं सब क्या हैं, फर्स्ट पर्सन। आपको सिर्फ मेन याद रखना है आई और वी, और इनसे जितने बनेंगे सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होंगे, समझ में आ गया। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में देखो, इसमें सिर्फ यू फैमिली आती है, यू फैमिली में आपका योर है, योर्स है, ये आपका जो है आता है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में इनके अलावा जितने भी बचते हैं वो सब थर्ड पर्सन है, जैसे आपका ही है, सी है, इट है, दे है, हिम है, हिज है, हर है, हर्स है, इट्स है, देम है, देयर है, देयर्स है, ये इतने जो आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में ये आएंगे, सेकंड पर्सन में आपका ये आएगा, और थर्ड पर्सन में ये आएगा। आई होप आपको पर्सन भी समझ में आ गया होगा, आप इसको रट लोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा, आप इसको ब्रेन में रखिएगा, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी जब आप नरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं नरेशन। तो आपको वहां पे चेंज करने के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सेकंड पर्सन से, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन से, तमाम प्रकार के रूल्स आते हैं इस तरह से। तो आप जब पर्सन को याद रखोगे ना कि कौन थर्ड पर्सन है, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड है, तो आपको वहां बेनिफिट इसका ज्यादा मिलता है। तो आप जो है इस चीज को भी याद रख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मैं अब इसके आगे प्रोनाउन के केस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, प्रोनाउन के केस की बात करेंगे। मैंने क्या किया, पर्सनल प्रोनाउन का काइंड्स बताया, पर्सनल प्रोनाउन का नंबर बताया, पर्सनल प्रोनाउन का पर्सन बताया। अब हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के केस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, केस की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका उपयोग आप जो है पैसिव वॉइस में भी करोगे, इसका उपयोग आप जो है नरेशन में भी करोगे, जो मैं केस पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है इस वीडियो का सबसे अहम टाइम है, जो कि मैं जो केस पढ़ाने जा रहा हूँ ये सबसे अहम है इस वीडियो का, ठीक है। तो केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो केस कितने होते हैं, केस माने होता है कारक, ठीक है। ये केस कितने होते हैं, केस बाबू से तीन होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, समझ में आ गया। तो इस केस को आप समझो, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे केस कितने होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस, एस यू बी जे ई सी टी आई वी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। समझ में आ गया, ये आपके केस हो गए। जो पजेसिव केस होते हैं गाइस, इसके दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आपको यहां पे पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो पजेसिव केस होता है इसके दो भाग होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। पूछता है क्वेश्चन, आप इसलिए इस बात को इस तरह से चार्ट को समझिएगा, आप लोग अपने पेयर में ये चार्ट बना लीजिएगा। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सन को लेते हुए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देता हूँ पर्सन को भी, ताकि जो है आप पर्सन को भी यहाँ देखते रहना, ठीक है। थोड़ा जगह है तो बना ही देता हूँ पर्सन को भी इसमें। यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव लिख रहा हूँ शॉर्ट कट में, यहाँ गाइज आप समझ लीजिएगा मैं सब्जेक्टिव केस लिखा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पर्सन, मैं पर्सन भी यहाँ अटैच कर दूंगा। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आई को, आई, ठीक है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है आई, मी होता है माई, और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन, समझ में आ गया सर।
कभी कभी किताबों में ये इनका जिक्र नहीं होता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन का जिक्र नहीं होता है, लेकिन आप एमटीएस का एग्जाम दोगे या किसी भी इंग्लिश कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो वो कंपटीशन का जमाना है और प्रोनाउन से क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। इसलिए आप पूरा पोस्टमार्टम कर दो प्रोनाउन की, कहीं पे कुछ चीज छूटे ना। अब देखो दूसरा जो होता है वी होता है, वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पजेसिव होता है आवर, और आवर्स होता है ये, ठीक है। और ये जो खत्म हो रहा है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब इसके बाद आता है यू, यू का क्या होता है, योर, ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस यू का यू होता है, पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, समझ में आ गया। अब जो है ये आपका कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में और तो कुछ आते नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है उसको देख लो। थर्ड पर्सन में आपका आता है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, एडजेक्टिव क्या होता है हिज, और ये इसका कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसका प्रोनाउंस नहीं होता। अब देखो यहाँ पे सी जो होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का हर, इसका क्या होता है हर, और ये क्या होता है हर्स, क्या होता है हर्स। आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जो है जगह का कमी हो रहा है मेरे पास, ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। वैसे मैं कैमरा में एक बार देख लूँ कि जो है कितना स्पेस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो गाइज सिर्फ मैं इतने ही स्पेस को यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे जगह की कमी है, ठीक है, जिस वजह से जो है हम थोड़ा सा उसको ऊपर लेंगे कहीं पे, तो मैं यहाँ छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, आप जो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे मैं एडजस्टमेंट यहाँ कर दे रहा हूँ, मैं छोटा छोटा लिख करके, जैसे देखिए यहाँ पे ही का क्या होता है हिम, हिज, और ये खाली होता है। इसी प्रकार मैं अगला लिख चल रहा हूँ सी, सी का हर, हर, और अगला क्या हो जाएगा हर्स, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो होता है इट होता है, इट, और इट का क्या होता है एडजेक्टिव इट्स, ये क्या होता है ये भी इट्स होगा, और ये कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला दे आएगा, दे, दे, दे का देम होता है, देयर होता है, और देयर्स होता है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको यहां पे पूरी बात समझ में आ जाएगी। गाइस आप एकदम रट्टा मार जाओ इसको, ठीक है। अगर कहेगा यू का सब्जेक्टिव केस यू, हर का सब्जेक्टिव केस ही, हर का सब्जेक्टिव केस सी, हर का पजेसिव एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स, समझ में आ गया। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, आई, वी का जो है पजेसिव प्रोनाउन माइन, माई का सब्जेक्टिव केस आई, माइन का सब्जेक्टिव केस आई। आपको चारों तरफ से कहीं से कोई घुमा के पूछे तो आप उसका जवाब दे जाओ, आप इतनी बेहतरीन तरीके से इसको याद करो। तो गाइज यहाँ पे इसका यूज कैसे करना होता है, जब आप नरेशन पढ़ते हो तो यहाँ पे उसका यूज बहुत ज्यादा होता है, और खास करके केस का यूज हर जगह होता है, ठीक है। मैं जब आगे आपको टेंस वगैरह पढ़ाऊंगा, पैसिव वाइस पढ़ाऊंगा, वाइस पढ़ाऊंगा, वाइस नरेशन, फिर टेंस पढ़ाऊंगा, और भी यूजेस तमाम हैं, और पूरे जो है पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ाऊंगा, सेंटेंस पढ़ाऊंगा आपको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाऊंगा, डिटरमिनेंस पढ़ाऊंगा, है ना। तो उन सब जगहों पे जो है इसका यूजेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है इन सभी चीजों को बेहतरीन तरीके का एक जो है फेयर बनाओ, इनको रटो और आगे बढ़ो, ठीक है, मेहनत करने की कोशिश करो। आपको ये जान करके हैरानी होगी, ये वीडियो जो मैं आपको 2:30 बजे रात को शूट कर रहा हूँ, ये जो वीडियो शूटिंग हो रही है ना, ये 2:30 बजे रात को मैं शूट कर रहा हूँ, समझ में आ गया। सोचो एक पढ़ाने वाला इतना उत्सुक है कि जो है पढ़ा रहा आपको 2:30 बजे रात को, लेकिन आप जो है पढ़ने के लिए जो है आप पढ़ते नहीं हो, तो आप प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है। अपने मम्मी पापा को जो है धोखा देने का काम मत करो,
मम्मी पापा से घर से बोल के आते हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन आप जो है वहाँ कोचिंग में पहुँचने के बाद जो है आप गलत काम करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से ना करें, अपने माता पिता के सपनों के साथ खिलवाड़ मत करें। समझ में आ गया? वही तो एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ आपके बारे में सोचता है, और उसी इंसान को आप धोखा दे रहे हैं। तो ये बेनिफिशियल नहीं है बाबू। आप जो है ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए, और अपने सपनों के साथ साथ अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। वो आपसे आज लगाए बैठे हुए हैं, आपसे कुछ चाहते हैं, जरा सा भी आपको परवाह नहीं है, टाइम बर्बाद करते हैं फालतू लोगों के साथ। तो ऐसा ना करें, अपने मम्मी पापा का केयर करें, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें, और अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं, ताकि वहां से पूरी दुनिया को आप देखो और दुनिया आपको देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।